नेक्स्ट टॉपिक एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस है। इस टॉपिक में हम एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस के बारे में सीखने वाले हैं। तो चलिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन से स्टार्ट करते हैं। y इज इक्वल टू बी रेज टू द पावर x, जहां b ग्रेटर देन 1 फॉर्म के फंक्शंस को एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कहते हैं। यदि b इज इक्वल टू 10 हो, यानी y इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर x हो, तो इसे कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। एंड यदि b इज इक्वल टू e हो, अर्थात y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x हो, तो इसे नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। e की वैल्यू 2.71828 के अप्रोक्सीमेट होती है। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के नेचर की बात करें तो y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x का ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है, जिसे देखकर हम कह सकते हैं कि ग्राफ में लेफ्ट टू राइट जाने पर y की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। अतः फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू r, यह एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर माइनस x का ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है, इसे देखकर हम कह सकते हैं कि ग्राफ में लेफ्ट टू राइट जाने पर y की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। अतः फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू r, यह एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। ग्राफ को ऑब्जर्व करने पर हमें प्राप्त होता है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में इनपुट x कुछ भी हो, परंतु आउटपुट y हमेशा पॉजिटिव होता है। अतः एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डोमेन r एंड रेंज r प्लस होती है। आई होप आप सभी को एक्सपोनेंशियल फंक्शन समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट है लॉगरिथमिक फंक्शंस। यदि b ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल टू 1 एक रियल नंबर है, तो y इज इक्वल टू log x टू द बेस b को लॉगरिथमिक फंक्शन कहते हैं। इसे हम रीड करते हैं y इज इक्वल टू logarithm ऑफ x टू द बेस b। यदि b इज इक्वल टू 10 है, अर्थात y इज इक्वल टू log x टू द बेस 10 है, तब हम इसे कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन कहते हैं। यदि b इज इक्वल टू e हो, अर्थात y इज इक्वल टू log x टू द बेस e हो, तब हम इसे नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन कहते हैं। इस चैप्टर में log x, log x टू द बेस e एंड ln x तीनों सेम है। अब लॉगरिथमिक फंक्शंस की नेचर की बात करें तो यदि b ग्रेटर देन 1 है, तब फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू log x टू द बेस e का ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है। लेफ्ट टू राइट जाने पर y की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। सो फॉर बेस b ग्रेटर देन 1, इसके लिए लॉगरिथमिक फंक्शन इंक्रीजिंग होते हैं। यदि बेस b लाइज बिटवीन 0 टू 1, तब फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू log x टू द बेस 1 अपॉन e का ग्राफ ग्रीन कलर से देख सकते हैं। ग्राफ में लेफ्ट टू राइट जाने पर y की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। सो फॉर बेस b लाइंग बिटवीन 0 टू 1, इसके लिए लॉगरिथमिक फंक्शन डिक्रीजिंग होते हैं। अब ग्राफ को ऑब्जर्व करें तो यहाँ हम देख सकते हैं कि लॉगरिथमिक फंक्शन में इनपुट x केवल पॉजिटिव है तथा आउटपुट y बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव है, इसलिए लॉगरिथमिक फंक्शन की डोमेन r प्लस और रेंज r होती है। आई होप आप सभी को यह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लॉगरिथमिक फंक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन लाइन y इज इक्वल टू x के रिस्पेक्ट में मिरर इमेज होते हैं। एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस के विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव कुछ इस प्रकार से डिफाइंड होते हैं। यहाँ आप सभी को सेकेंड एंड फोर्थ में कन्फ्यूजन हो सकता है। तो सेकेंड में e रेज टू द पावर माइनस x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x चेन रूल अप्लाई करने पर हमें माइनस e रेज टू द पावर माइनस x प्राप्त होता है, एंड फोर्थ में a रेज टू द पावर x पर लॉगरिथमिक फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज करके चेन रूल से डिफरेंशिएट करने पर हमें a रेज टू द पावर x log a प्राप्त होता है। अब हम इन सारे फॉर्मूले को एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। इसमें हमें दिया है कि फाइंड
dy by dx if y is equal to e raised to the power sine inverse x. तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं. हमें दिया है y is equal to e raised to the power sine inverse x. So differentiating with respect to x, we get dy by dx is equal to d by dx of e raised to the power sine inverse x. अब chain rule से सॉल्व करने पर we get dy by dx is equal to e raised to the power sine inverse x into d by dx of sine inverse x. यहाँ e raised to the power sine inverse x इसलिए आया है क्योंकि अभी हमने देखा था d by dx of e raised to the power x is equal to e raised to the power x. अब sine inverse x का with respect to x differentiate करें तो we get dy by dx is equal to e raised to the power sine inverse x into 1 upon under root 1 minus x square. इसे simplify करने पर we get dy by dx is equal to e raised to the power sine inverse x upon under root 1 minus x square.